बच्चों गुड आफ्टरनून। आज मैं आपको कक्षा दो का सामान्य ज्ञान विषय पढ़ाने जा रही हूँ। तो आज हम सामान्य ज्ञान विषय में देखेंगे हमारा पाठ 20 हमारा है वर्गीकरण। क्या है बच्चों? पाठ 20 हमारा क्या है? वर्गीकरण। वर्गीकरण यानी हमको सबके बारे में यहाँ पे लिखना है, जैसे कि फूल फल सब्जियाँ। वर्गीकरण यानी कि हमको यहाँ पे सबके बारे में पढ़ना है। तो देखो, व्यक्ति के नाम जो हैं प्रयोग में आती है, जो वस्तुएं हैं हमारे प्राणी संग्रहालय है, उचित जगह है, उचित पर्वत हैं, फिर उचित वाहनों के नाम है। इस तरह से हम सबको क्या वर्गीकरण में लिखना है। इन सबको हमको क्या करना है बच्चों? वर्गीकरण में लिखना है। तो पहला है नीचे दिए गए फूल सब्जियों फलों और अनाजों के नाम उचित जगह में लिखने हैं। तो देखो, ये कोष्टक में हमको सबके नाम दिए गए हैं बच्चों, तो उनको क्या हमको उचित जगह पे लिखना है। तो पहला क्या दिया है हमको? फूल दिया है। क्या दिया है? फूल दिया है। पहला हमको क्या दिया है बच्चों? फूल दिया है। तो देखो, फूल में पहले क्या आएगा? गुलाब, कमल, कुमुदिन और चमेली। क्या है? गुलाब, कमल, कुमुदिन और चमेली, ये क्या है? सब हमारे फूल हैं। अब सब्जियां देखते हैं। पहला बैंगन, दूसरा मूली, तीसरा टमाटर, चौथा हरा मटर। क्या है? पहला बैंगन, दूसरा मूली, टमाटर और हरा मटर, ये क्या है? हमारी सब्जियां हैं। अब फल देखते हैं हम। तो फल के बारे में आम, सेब, अमरूद और अनार। क्या है फल के बारे में? आम, सेब, अमरूद और अनार, ये हमारे क्या हैं? फल हैं। अब देखो यहाँ पे अनाज। तो अनाज में पहला क्या है? गेहूँ, दूसरा बाजरा, तीसरा मक्का और चौथा चावल। तो ये सब क्या है? हमारे अनाज हैं। अब प्रश्न नंबर दो, नीचे दिए गए वस्तुओं के नाम उनके प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के नामों के नीचे लिखना है। क्या है? नीचे दिए गए वस्तुओं के नाम उनका प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के नामों के नीचे लिखना है। तो पहला क्या आएगा? किसान। क्या है पहला? किसान। तो क्या है? हल, ट्रैक्टर और हंसिया। क्या है? किसान में हम क्या लिखेंगे? हल है, ट्रैक्टर है और हंसिया है। फिर बढ़ई में देखो, पहला आरी, दूसरा रंधा, तीसरा थोड़ी। बढ़ई में क्या क्या यूज करते हैं? तो पहला आरी, दूसरा रंधा, तीसरा हथौड़ी। फिर देखो, तीसरा है दर्जी। तो दर्जी में क्या आएगा? सिलाई मशीन, कैंची, अंगूठना। क्या है दर्जी में क्या आएगा? सिलाई मशीन, कैंची और अंगूठना, ये सब क्या करता है? दर्जी यूज करता है। अब चिकित्सक में क्या आएगा? डॉक्टर क्या क्या यूज करते हैं? तो वो हमको लिखना है। तो पहला क्या आएगा? थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप। फिर तीसरा है पिचकारी। तो इस तरह से ये चिकित्सा के नाम भी हमको लिखने हैं। अब प्रश्न नंबर तीन है, नीचे दी गई विभिन्न वस्तुओं के नाम उचित जगह में लिखो। क्या है? नीचे दिए गए विभिन्न वस्तुओं के नाम उचित जगह में लिखो। तो पहला क्या आएगा? चीनी मिट्टी के बर्तन लिखना है। तो देखो, चीनी मिट्टी की तसरी। क्या है? चीनी मिट्टी की तसरी। दूसरा है छोटी तसरी। क्या है? छोटी तसरी। फिर तीसरा है चाय का प्याला। क्या है? तीसरा चाय का प्याला। फिर चौथा है मर्तबान। क्या है? मर्तबान। अब देखो यहाँ पे छुरी चम्मच। क्या है? छुरी चम्मच। तो पहला चम्मच क्या आएगा? चम्मच, फिर छुरी, फिर दूसरा आएगा छुरी, तीसरा आएगा चपटी छुरी और चौथा आएगा कांटा। क्या है? पहला चम्मच, छुरी, चपटी छुरी और कांटा। तो ये क्या हो गए? हमारे चार हो गए। फिर देखो बर्तन में। तो बर्तन में पहला आएगा कढ़ाई, दूसरा आएगा थाली, तीसरा आएगा करछुल और चौथा आएगा सुराही। तो इस तरह से हमको ये चीनी मिट्टी के बर्तन, छुरी चम्मच और बर्तन, ये चारों को भी वर्गीकरण में करना है। तो देखो, मैंने यहाँ पे वर्गीकरण कर दिए हैं। अब देखो आगे प्रश्न नंबर चार है, नीचे दिए हुए वाहनों के नाम उचित जगह में लिखे। क्या है? नीचे दिए गए वाहनों के नाम उचित जगह में लिखना है। तो पहला क्या है? जमीन। तो जमीन के ऊपर क्या क्या चलता है वो लिखना है। फिर जल में क्या क्या होता है वो चलना है, और हवा में क्या उड़ता है वो लिखना है। तो पहला हम लिखेंगे जमीन। तो जमीन में क्या है? रेलगाड़ी। क्या है? रेल। जमीन पे क्या आएगा? रेलगाड़ी। फिर दूसरा है बैलगाड़ी, तीसरा है कार और चौथा है साइकिल। तो ये सब क्या है? जमीन पे चलते हैं। क्या है? जमीन पे चलते। तो पहला क्या है? रेलगाड़ी, दूसरा बैलगाड़ी, तीसरा कार और चौथा साइकिल, ये सब क्या है? जमीन पर चलते हैं। अब है जल। क्या है? जल। तो पहला क्या है? नाव, दूसरा है जहाज, तीसरा है कश्ती और चौथा है हवाई जहाज। तो क्या आएगा? जल में कौन कौन चलता है? तो पहला नाव, दूसरा जहाज, तीसरा कश्ती, चौथा
हवाई जहाज। अब देखो हवा, हवा है तो हवा में पहला क्या आएगा, रॉकेट, दूसरा है हेलीकॉप्टर, फिर तीसरा है पनडुब्बी और चौथा ग्लाइंडर। क्या है हवा में क्या क्या उड़ते हैं, तो रॉकेट, हेलीकॉप्टर, पनडुब्बी और ग्लाइंडर, ये सब हवा में उड़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 5 है, नीचे दिए गए नाम उचित जगह में लिखो। क्या है नीचे दिए गए नाम उचित जगह में लिखने हैं, तो पहला क्या है नदिया, क्या है पहला नदिया, तो नदिया में पहला एक नंबर है गंगा, क्या है गंगा, दूसरा कावेरी, तीसरा कृष्णा और चौथा सतलज। क्या है नदियों के नाम, पहला गंगा, दूसरा कावेरी, तीसरा कृष्णा और चौथा सतलज। तो ये हमारी क्या है नदियों के नाम है। अब यहाँ पे देखते हैं हम पर्वत, हमारे पर्वतों के नाम देखेंगे, तो पहला पर्वत हमारा कौन सा आएगा हिमालय। क्या है पहला पर्वत हमारा हिमालय, दूसरा नीलगिरी, तीसरा साहिद्री, क्या है तीसरा साहिद्री, चौथा है सतपुड़ा। पर्वतों के नाम पहला हिमालय, नीलगिरी, साहिद्री और सतपुड़ा, ये हमारे क्या है पर्वतों के नाम है। अब चौथा है श्रीनगर, सॉरी नगर के बारे में करना है, तो श्रीनगर, नागपुरा, बेंगलोर और चंडीगढ़। क्या है श्रीनगर, नागपुरा, बेंगलोर और चंडीगढ़, ये हमारे नगरों के नाम हैं। अब प्रश्न नंबर 6 है, नीचे दिए हुए नाम उचित जगह में लिखो। तो नीचे दिए हुए नाम उचित जगह में लिखने हैं, तो पहला क्या है संग्रहालय, क्या है संग्रहालय, तो मूर्तियाँ, भूसा भरे हुए पशु, मूर्तियाँ, भूसा भरे हुए पशु और प्राचीन कवच। क्या है संग्रहालय में हम क्या क्या नाम लिखेंगे, पहला है मूर्तियाँ, दूसरा भूसा भरे हुए पशु और तीसरा प्राचीन कवच। अब पुस्तकालय में, तो पुस्तकालय में पहले पत्रिका आएगा, दूसरा पुस्तकें, तीसरा अखबार, ये हमको पुस्तकालय से मिलते हैं। अब देखो यहाँ पे चिड़ियाघर, तो चिड़ियाघर में क्या होगा बाघ, भालू और शुतुरमुर्ग। चिड़ियाघर में क्या होगा बाघ, भालू और शुतुरमुर्ग, ये क्या है चिड़ियाघर हैं। अब देखो बच्चों मैंने आपको वर्गीकरण पाठ जो पढ़ाया है वो एक बार आपको फिर से रिपीट करा देती हूँ। तो फूल, गुलाब, कमल, कुमुदिन और चमेली, फिर सब्जियाँ, बैंगन, मूली, टमाटर, हरा मटर, फिर देखो फल, आम, सेब, अमरूद और अनार, ये क्या है फल हैं। फिर अनाज, गेहूँ, बाजरा, मक्का और चावल, ये क्या है अनाज है हमारे। अब दूसरा है नीचे दिए गए वस्तुओं के नाम उनके प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के नामों के साथ लिखना है। तो देखो किसान है तो हल, ट्रैक्टर और हाशिया, फिर बढ़ई है आरी, रंधा और हथौड़ी, फिर दर्जी है सिलाई मशीन, कैंची और अंगूस्ताना, और चिकित्सक है थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप और पिचकारी। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए विभिन्न वस्तुओं के नाम उचित जगह पे लिखना है। तो देखो चीनी मिट्टी के बर्तन लिखने हैं, तो चीनी मिट्टी की तसरी, छोटी तसरी, चाय का प्याला और मर्तबान, फिर छुरी चम्मच है, तो चम्मच, छुरी, चपटी छुरी और कांटा, ये सब क्या है छुरी चम्मच है। फिर बर्तन, तो कहाड़ी, थाली, करछुक और सुराही, क्या है कहाड़ी, थाली, करछुक और सुराही। अब चौथा है नीचे दिए हुए वाहनों के नाम उचित जगह पे लिखने हैं। तो जमीन है तो रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, कार, साइकिल। अब देखो जल है तो नाव, जहाज, कश्ती, हवाई जहाज, नाव, जहाज, कश्ती और हवाई जहाज। अब हवा, तो रैकेट, हेलीकॉप्टर, पनडुब्बी और ग्लाइंडर, ये क्या है हवा में उड़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए नाम उचित जगहों पे लिखिए। तो पहला क्या है नदियाँ, तो गंगा, कावेरी, कृष्णा, सतलज, गंगा, कावेरी, कृष्णा, सतलज, फिर पर्वत, हिमालय, नीलगिरी, सह्याद्री, सतपुड़ा, नगर श्रीनगर, नागपुर, बेंगलोर और चंडीगढ़, ये हमारे नगर हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए नाम के उचित जगहों में लिखने हैं। तो संग्रहालय, तो संग्रहालय क्या आएगा मूर्तियाँ, संग्रहालय में क्या आएगा मूर्तियाँ, भूसा भरे हुए हुए पशु और प्राचीन कवच, क्या है मूर्तियाँ, भूसा भरे हुए पशु और प्राचीन कवच। पुस्तकालय में पत्रिकाएँ, पुस्तकें और अखबार, और चिड़ियाघर में बाघ, भालू और शुतुरमुर्ग। तो बच्चों मैंने आपको पाठ 20 जो वर्गीकरण है वो मैंने आपको पूरा करा दिया है, तो आप ये पाठ 20 जो आप पूरा करेंगे, अपनी स्वाध्याय पोथी में पाठ 20 पूरा करेंगे।
ठीक है बच्चों, तो अपनी स्वाध्याय पोथी आप पार्ट 20 तक कंप्लीट करके रखेंगे। आज के वीडियो में मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगी, आगे के वीडियो में आगे पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।